चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, उसमें विशेष जाति और धर्म को टारगेट करके और ये लोग काम करते हैं। राम मंदिर के भी अगर ये हितेशी होते तो राम मंदिर बहुत पहले बन सकता था। अगर राम मंदिर वहां पे बन सकता है जिसके लिए आपने इतना बड़ा इशू बनाया हुआ है, तो क्या रविदास मंदिर वहां पे, जहां पे 600 साल पुराना इतिहास है, जहां पे मंदिर पहले से है, वहां पे मंदिर नहीं रह सकता क्या? रविदास समाज के भी तो लोग हैं जो उनको भगवान मानते हैं, वो भी तो उनमें आस्था रखते हैं। नमस्कार, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राजवीर सिंह, जो बहुजन समाज के ही नहीं पूरे देश के लिए काम करते रहते हैं, समाज की मूवमेंट के ऊपर। और कहीं भी कोई बहुजन समाज के लोगों के ऊपर बात आती है तो तुरंत उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। राजवीर जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पहले तो राजवीर जी, क्या कारण है कि रविदासी मंदिर जो है उसको क्यों तोड़ा गया, क्या मंशा थी सरकार की इसको तोड़ने के पीछे? देखिए, जहाँ तक लगता है कि इसमें सरकार की जो मंशा थी वो वोट बैंक की राजनीति की लगती है पूरी पूरी, क्योंकि सबको मालूम है कि अभी दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी इसी स्थिति में नहीं है आज की तारीख में कि वो दिल्ली में चुनाव जीत सके, क्योंकि दिल्ली में चुनाव की स्थिति बीजेपी को मालूम है। लोकसभा के इलेक्शन और जो विधानसभा के इलेक्शन है दोनों में बहुत पूरा फर्क है और बहुत ज़्यादा अंतर है इनके वोट बैंक में। तो इन्होंने जहाँ तक ये लगता है कि भाई अभी कोर्ट का डिसीजन आया कि अभी मंदिर को तोड़ना है, अभी मंदिर गिराना है, लगता है कि सरकार की सोची समझी साजिश के तहत ये काम करा गया है, क्योंकि सरकार को मालूम है कि रविदास जो समाज है, जो रविदास जी को मानने वाले, जो गुरुवर को मानने वाले हैं, वो बहुत तादाद में दिल्ली में रहते हैं और लोगों ने उसका परिचय भी दिया। जब मंदिर पर तोड़फोड़ हुई तो लोगों ने आस्था के नाम पर अपने घर छोड़े, परिवार छोड़े, छोटे छोटे बच्चे छोड़े, पूरे देश से जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, जो रविदास समाज के लोग हैं, सब लोग गाड़ियों में, पैदल, बसों में चल चल के आए और उन्होंने उनके सम्मान में यहाँ आके और ये साबित करा कि रविदास जी को मानने वाले, इस गुरुवर को मानने वाले इस देश में करोड़ों लोग हैं, करोड़ों की संख्या में लोग हैं जिनके साथ सरकार ने बहुत बड़ा ये मजाक कराया। क्योंकि 600 साल पुराना मंदिर है, मैंने सुना कि भाई वो डीडीए की लैंड है, डीडीए ने शायद कोर्ट में लिख के दिया कि साहब हमारी लैंड खाली कराई जाए। पहली बात तो ये कि डीडीए चेक करेगी कहाँ कहाँ डीडीए की लैंड है जहाँ पे और मंदिर नहीं बने हुए हैं। ऐसी बहुत सारी जगह है डीडीए की और इतनी इलीगल जगह है जहाँ पे मंदिर बने हुए हैं, कहीं कहीं तो सड़क पे बने हुए हैं, सड़क के बीच में बने हुए हैं, उसको नहीं हटा पा रही है। और ये कि कॉलोनी में ऐसी जगह बना हुआ है जहाँ पे किसी को कोई डीडीए को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और डीडीए अगर अपनी बात करती है तो शायद 600 साल पुराना मंदिर का इतिहास है, डीडीए को बने तो अभी 50 साल भी नहीं हुए हैं। राजवीर जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन है क्या कि बहुजन समाज के ऊपर ही ना तो उनको घोड़ी पे चढ़ने दिया जाता है, ना उनकी बातों को सुना जाता है। अगर मंदिर तोड़ने की बात भी आती है तो सिर्फ बहुजन समाज के लोगों का ही मंदिर टारगेट किया जाता है। ये कब तक ऐसा चलता रहेगा वो बताएं। देखिए, ये सरकार जो है, पहले जो अंग्रेजों की सरकार थी वो थी फूट डालो और राज करो जी, और इनका काम है बांटो और राज करो। ये समाज को समाज के बीच में से ही बांटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जाति और धर्म पे विश्वास रखते हैं, जाति और धर्म के नाम पे लोगों को लड़वाते हैं, देशभक्ति के नाम पे लोगों को लड़वाते हैं। एक विशेष किसी भी चीज को लेकर उसको टारगेट करा जाता है, चाहे वो 370 हो, चाहे वो दलितों में जाके और रविदास मंदिर तोड़ने का हो, चाहे 3 तलाक हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, उसमें विशेष जाति और धर्म को टारगेट करके और ये लोग काम करते हैं। राम मंदिर के भी अगर ये हितेशी होते तो राम मंदिर बहुत पहले बन सकता था। अगर राम मंदिर वहां पे बन सकता है जिसके लिए आपने इतना बड़ा इशू बनाया हुआ है, तो क्या रविदास मंदिर वहां पे, जहां पे 600 साल पुराना इतिहास है, जहां पे मंदिर पहले से है, वहां पे मंदिर नहीं रह सकता क्या? रविदास समाज के भी तो लोग हैं जो उनको भगवान मानते हैं, वो भी तो उनमें आस्था रखते हैं। राम में अगर आस्था रखने वाले हैं तो रविदास में आस्था रखने वाले भी हैं, कबीर में आस्था रखने वाले भी लोग हैं, सब समाजों में आस्था रखने वाले हैं। और बहुजन समाज को ये ध्यान रखना है कि ये समाज अपनी जो सरकार है या दमनकारी नीतियों पे विश्वास करती है, आपका दमन करना चाहती है। अगर आप गलत तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, जैसा कि कल कुछ वीडियो में देखने में आया कि वहाँ पे लोगों ने जो है आम जनता को परेशान करा, कुछ को गाड़ियों के शीशे टूट गए, कुछ लोगों के घरों पे पत्थर फेंके गए, अगर हम ये करेंगे तो इनको दमन करने का मौका मिल जाएगा। और उसी का नतीजा कि उन्होंने उस चीज़ का फायदा उठा के हमारे 100 लोगों को बंद कर दिया, जिसमें कि मेरे को लगता है कि 100 में से 95 जो लोग हैं वो बिल्कुल निर्दोष हैं, वो गुरु घर को बचाने के लिए आए थे, उसमें आस्था दिखाने के लिए आए थे, और उनको उठा के और सरकार ने पता नहीं कौन कौन सी धाराएं लगा के और उनको बंद कर दिया। जहां तक समाज की बात है, समाज बिखराव की तरफ जा रहा है, बिखरे नहीं बटे नहीं। रजपी जी, जो जिसे बहुजन समाज बोला जाता है वो 85% बोला जाता है, और 85% होने के बावजूद भी आज अपनी मांगों को नहीं मान सकता है, अपनी बातों को नहीं कर सकता है, तो किस तरीके से ये अपनी चीजों को ले पाएंगे, क्या कारण, किस वजह से ये लोग एकजुट होकर आगे कार्य कर पाएंगे वो बताएं। देखिए, बहुजन समाज में जो लोग फायदा उठाते हैं वो इस बात का उठाते हैं, जो सरकारें फायदा उठाती है वो इस बात का उठाते हैं कि जो छोटे छोटे संगठन बने हुए हैं और ये हर चीज में अपनी राजनीति करने की कोशिश करते हैं, उससे समाज को बिखराव मिलता है और सरकारों को फायदा होता है।
ये सरकारें तब तक बनती रहेंगी, लोगों का शोषण होता रहेगा। मैंने जैसे अभी आपसे जब बात हुई थी ओप का रिपोर्ट, तब भी मैंने आपको बताया कि आप एक ही परिवार के दो सदस्य हैं, आपके बायोलॉजिकल फादर एक हैं, लेकिन एक आदमी जो है वो किसी पोस्ट पे और एक आदमी साधारण आदमी है, तो साधारण के साथ जो व्यवहार होगा वो दलितों वाला होगा, और जो एक आदमी पोस्ट पे आ गया उसको कैटेगराइज करके ये लोग अपने में मिला लेते हैं। हमें इस चीज से बाहर निकलने के लिए जो छोटे छोटे संगठन है इनमें बटना बंद करना पड़ेगा, सबको एक सम्मत होना पड़ेगा, एक मत होना पड़ेगा, एक मत होके और सब लोग अगर कानूनन काम करेंगे तो निश्चित तौर से पूरे समाज को फायदा होगा। समाज इस पटल पे आएगा, जिस बात की हम बार बार करते हैं, जाति और धर्म की बात करते हैं कि जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, धर्म व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, जो हमारा संविधान भी कहता है, वो तब तक नहीं होगा जब तक हम लोग इनके बहकाव में आते रहे। बहुजन समाज पार्टी की बात है, बहुजन समाज पार्टी हमेशा प्रोटेक्शन भी करती है और पूरी ताकत के साथ करती है प्रोटेक्ट, लेकिन कानून के दायरे में रह के करती है। कल भी आपने बेंजी का ट्वीट देखा होगा, परसों भी देखा होगा, उन्होंने पूरे समाज को ये कहा कि आप एकजुट रहिए लेकिन आप कानून के सम्मत काम करें ताकि इन लोगों को अपनी जो दमनकारी नीतियां वो लगाने का मौका नहीं मिले, सरकारों को दमनकारी नीतियां लगाने का मौका नहीं मिले। बहुजन समाज पार्टी पूरे बहुजन समाज के साथ है, पहले भी थी, आज भी और हमेशा रहेगी, जिसके लिए बहुजन समाज पार्टी लड़ती आई है, हमेशा लड़ती रहेगी। लेकिन सब लोग जो है इस बात का ध्यान रखेंगे कानून के दायरे में रह के ही हमें ये काम करना है। जहां तक रविदास मंदिर की बात है, रविदास मंदिर वहीं बनेगा जहां पे पहले था, वहीं बनेगा, क्योंकि 600 साल पुराना इतिहास है, वो ना सुप्रीम कोर्ट का इतिहास है, ना दिल्ली सरकार का इतिहास है, ना भारत सरकार का इतिहास है, और ना ही डीडीए का इतिहास है, इनका किसी का भी वो इतिहास ही नहीं है 600 साल पुराना, इसलिए वो मंदिर वहीं बनेगा। सबसे मेरी अपील है, प्रार्थना है कि सब शांति से रहें, अपनी आस्था गुरु वर्ग के प्रति दिखाएं, लेकिन संयमित रह के दिखाएं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।